जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखने वाले एक बहुत ही बेहतरीन रग जिसे हम इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम एसिटाजोलामाइड के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसिटाजोलामाइड के जो ड्रग आती है उसके बारे में सीख रहे हैं। यह जो एसिटाजोलामाइड है यह कमनली आपको 250 मिलीग्राम की टेबलेट फॉर्मेट में मिल जाती है, साथ ही साथ यह 500 मिलीग्राम में आपको कैप्सूल फॉर्मेट में मिलती है। यह जो एसिटाजोलामाइड है यह आपका दवा का मूल नाम है या हम इसे दवा का जेनिक नेम भी कहते हैं, बट इसके अलावा इसके एक दो पॉपुलर ब्रांड्स भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, और साथ ही साथ जब अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो डॉक्टर ज़्यादातर इसके पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं वही आपको रिकमेंड करेंगे। तो अगर हम इसके एक दो पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको डायमॉक्स टेबलेट, साथ ही साथ डायमॉक्स कैप्सूल, एसिटामाइड टेबलेट और अववा टेबलेट हैं। तो ये दो तीन इसके पॉपुलर ब्रांड, बट जो डायमॉक्स टेबलेट है वह कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो डायमॉक्स टेबलेट है इसको किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको ग्लूकोमा की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ग्लूकोमा एक आँखों से रिलेटेड इश्यूज होता है दोस्तों, जिसमें आँखों के ऊपर मतलब आप ये कह सकते हैं कि पानी भरता है, जिस वजह से आँखों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है और साथ साथ व्यक्ति को देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस ग्लूकोमा की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है या डायमॉक्स टेबलेट रिकमेंड करते हैं। यह जो डायमॉक्स टेबलेट है यह सामान्यतः आँखों के ऊपर अपना जो प्रेशर बना होता है फ्लूड का उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ यह फ्लूड के लेवल को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिस वजह से आँखों के ऊपर से जो फ्लूड का प्रेशर बन रहा है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को बेहतरीन राहत देखने को मिलता है। अगर ग्लूकोमा की कंडीशंस लंबे समय तक पेशेंट को चली आ रही होती है तो उससे पेशेंट को विजन इशू जैसे समस्या हो जाते हैं, मतलब व्यक्ति को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशंस में सामान्यतः जो डॉक्टर है या डायमॉक्स टेबलेट रिकमेंड कर। इसके अलावा डॉक्टर हो सकता है कि अपने चॉइस के आधार पर किसी और प्रकार के जो डिजीज है उसमें इस डायमॉक्स टेबलेट को रिकमेंड कर सकते हैं, बट इसका मेनली प्रयोग आपको ग्लूकोमा की कंडीशंस में किया जाता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो डायमॉक्स टेबलेट है इसकी को किस तरह से प्रयोग में लेना चाहिए, इसकी क्या डोज ड्यूरेशन होती है। तो सामान्यतः अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को यह डायमॉक्स टेबलेट रिकमेंड किया जाता है तो उसे 250 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर उसे 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली कैप्सूल से रिकमेंड की गई है तो उसे एक कैप्सूल सी रोज रात को खाना खाने के बाद लेने के प्रयोग में दी जाती है, लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको किसी और प्रकार का डोज निर्धारित कर सकता है जो कि टोटली आपके हेल्थ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यह जो एसिटाजोलामाइड टेबलेट है यह बहुत ही बढ़िया टेबलेट है, बट इसके अलावा भी यह एक दो ड्रग के साथ आपका इंटरेक्ट कर जाती है जिसमें बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट दिखाती है। तो उस ड्रग्स में सबसे पहले आपको एस्पिरिन, लिथियम कार्बोनेट, कार्बामाजेपिन और फेनोबारबिटोन हैं। तो ये जो तीन चार ड्रग्स है एस्पिरिन वगैरह, इसके साथ आप इसे प्रयोग में ना लें। अगर पेशेंट इस तरह का ड्रग्स पहले से प्रयोग में ले रहा है तो आप पेशेंट की हिस्ट्री जान लें, तो आप वैसे पेशेंट को यह प्रयोग में ना दें। तो अब हम वीडियो के अगले हिस्से में अगर हम इस डायमॉक्स टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वैसे इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स तो नहीं देखे जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो हो सकता है आपको उल्टी दस्त जैसी समस्या देखने को मिल जाए, साथ ही साथ स्टमक में थोड़ा पेन वगैरह हो सकता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हाँ अगर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि यह जो डायमॉक्स टेबलेट है इसको कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस आप प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर का रिकमेंडेशन आता है तभी जाकर आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस डायमॉक्स जो टेबलेट और कैप्सूल्स आती है उसके बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।